छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को क्या दिया और कौन से ऐसे वादे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के तेज तर्रार मंत्री अमरजीत भगत मौजूद हैं। मंत्री, आपका स्वागत है ईटीवी भारत पर। जी नमस्कार। 2 वर्षों से आपकी सरकार किन उपलब्धियों के साथ आज सरकार में है? माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का शानदार 2 साल कल पूरा हो रहा है और ये 2 साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में दोनों का तुलना करेंगे तो अंतर आपको साफ दिखेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान धान का कटोरा से है। यहाँ लगभग 80% से ऊपर लोग कृषि कार्य करते हैं और उनके लिए ये सरकार योजना बना करके काम कर रही है, उनको मदद कर रही है जिससे तेजी से यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। सरकार में आने के महज 2 घंटे के अंदर किसानों का 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ, 2,500 रुपया में धान खरीदी, भारत सरकार द्वारा आपत्ति करने पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके किसानों को मदद करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैदानी क्षेत्र के बाद अगर हम वनांचल का देखें, वन क्षेत्र में सर्वाधिक आदिवासी वर्ग के लोग निवास करते हैं जिनका मुख्य काम जो है वन उपज संग्रहण का रहता है। पिछली सरकार में 8 प्रकार के वनोपज का संग्रहण होता था। तेंदुपत्ता महज 2,500 रुपया मानक बोरा में लिया जाता था। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद आज 52 प्रकार के लघु वनोपज का खरीदी हो रहा है और तेंदुपत्ता जो 2,500 रुपया में बिकता था उसको 4,000 रुपया दिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर हम देखेंगे तो आदिवासी वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या को इसका लाभ मिल रहा है। कोरोना के समय भी, इस कोविड पीरियड में भी जितना बेहतर ढंग से काम हुआ वो तारीफ़ काबिल है। अन्य प्रदेशों में उस प्रकार की व्यवस्था की कमी देखी गई, चाहे वो स्टूडेंट्स को कोटा से वापस लाने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात हो, राज्य के अंदर खाद्यान्न की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, जिनके पास कार्ड है उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था। और मैं तो कहता हूँ कि भूपेश बघेल सरकार पहली सरकार है हिंदुस्तान में जो 3 महीने का लॉकडाउन लगने से पहले एडवांस में चावल सबके घर पहुँचवाया, बहुत बड़ी काम। और लोगों में इस बात की संतुष्टि है, दिक्कत के समय सरकार ने जो काम किया, सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है, सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा है और सरकार ने अगर एक बार अपील कर दिया तो लोग उसका पालन नहीं किया।